भूषण ज्वेलर्स। द्रंग में विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना के लिए तैनात अधिकारियों को 6 दिसंबर को कम्युनिटी हॉल पदर में दूसरा अभ्यास करवाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारला में ईवीएम से संबंधित ट्रेनिंग भी करवाई गई, जिसमें काउंटिंग असिस्टेंट माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। उन्हें बताया गया कि काउंटिंग कैसे करनी है। इसी के साथ ही सभी कर्मचारियों को उनके ऑर्डर भी दे दिए गए हैं कि उन्हें 7 दिसंबर को किन निर्वाचन अधिकारी के पास रिपोर्टिंग करनी है। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पदर संजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि 8 दिसंबर को विधानसभा निर्वाचन 2022 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर मतों की गणना की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के मतों की गणना शुरू होगी। उन्होंने विविध विभागों के प्रतिनियुक्त मतगणना स्टाफ को मतगणना संबंधित कई अहम जानकारियां और बारीकियां बताई और सिखाई गई। एसडीएम पदर संजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि 8 दिसंबर को सुबह कड़ी सुरक्षा और निगरानी में ईवीएम मशीनों को स्टोरिंग रूम से निकालकर बूथ वाइज मतगणना अधिकारियों के टेबल पर पहुंचाई जाएंगी। मतगणना अधिकारी ईवीएम को एजेंटों की उपस्थिति में सबसे पहले कंट्रोल यूनिट सील को चेक कराएंगे। बाद में रिजल्ट का बटन दबाकर उम्मीदवार के नाम सहित मशीनों में दर्शाए जाने वाले मतों का रिजल्ट दिखाएंगे। एसडीएम ने कहा कि हर 2 राउंड के बाद पर्यवेक्षक रैंडमली 1 या 2 ईवीएम मशीनों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि ईवीएम मतगणना पूरी होने के बाद 5 पोलिंग स्टेशनों की वीवीपैट मशीनों में जमा मत पर्चियों की गिनती भी की जाएगी। मतगणना के दिन ईवीएम स्टोरिंग रूम से 100 मीटर के दायरे में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम ने कहा कि पोस्टर बेल्ट पेपर के मतों की गणना का काम मतगणना अधिकारियों का रहेगा। वे सावधानी पूर्वक मतों की गणना का कार्य करेंगे और मतों को अमान्य घोषित करने का अंतिम निर्णय निर्वाचन अधिकारी का पर्यवेक्षक की निगरानी में रहेगा। पोस्टर बेल्ट पेपर के मतों की गणना के दौरान 25-25 मतों के बंडल तैयार किए जाएंगे। एसडीएम ने कहा कि मतगणना के दिन यानी 8 दिसंबर को मतगणना हॉल में मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पार्टी के उम्मीदवार या एजेंट आदि मतगणना हॉल में अपने साथ मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जा सकेंगे। जो ईवीएम काउंटिंग स्टाफ था, काउंटिंग असिस्टेंट या माइक्रो ऑब्जर्वर्स, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई और स्टॉक रूम जो खोला गया, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी कराई गई और जो ट्रेनिंग स्टाफ था उसको ट्रेनिंग दी गई और बताया गया कि कैसे कैसे काउंटिंग करनी है। जैसे हमारे 5 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, तो उनके 3 खाने होंगे और साथ में 2 खाने एडिशनल होंगे, पिजन होल जिनको कहते हैं, जिसमें जो 2 एक्स्ट्रा पिजन होल होंगे उसमें जो टेस्ट स्लिप होगी उसमें जाएंगी और नोटा उसमें जाएगा। बाकी जो वोट्स हैं वो कैंडिडेट्स के, जैसे हमारे 3 कैंडिडेट हैं बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, वो उनके उनके इसमें रखे जाएंगे। ये स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो है पोस्टल बैलेट्स के लिए, या दूसरी जो भी ट्रेनिंग, कैसे मशीनें आएंगी, कैसे उनका 7C पार्टी कराना, ये सारी जो ट्रेनिंग है वो दी गई और इसके साथ ही उनको ऑर्डर्स दिए गए। उन्होंने कहा कल जो 11 बजे कहा कौन कौन से आरओ के पास में 11 बजे रिपोर्टिंग। इस अवसर पर बीडीओ द्रंग राकेश पटियाल, तहसीलदार पदर इलेक्शन तेज सिंह ठाकुर, तहसीलदार पदर नीलम कुमारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।